वेलकम टू इंडोविजन यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे वर्कशीट के बारे में, तो आइए शुरू करते हैं। वर्कशीट को सिंपली हम जान सकते हैं कि वर्कशीट का मतलब होता है एक ऐसा शेड्यूल, एक ऐसी चीज़ें जो कि हमें टाइम टू टाइम वो पहले से डिसाइड होती है कि ये करना है, इस टाइम पे ये करना है, इस टाइम पे ये करना है, तो हम उसी शेड्यूल के अकॉर्डिंग चलते रहते हैं। तो अब ये वर्कशीट कई तरीके से हो सकते हैं, ठीक है। तो ये वर्कशीट कई तरीके से हो सकते हैं, जैसे अगर आप एजुकेशन की बात करते हो वो चीज़ें अलग होती हैं, अकाउंट्स के लिए अलग होता है, और उनमें से बेसिक कंप्यूटर के लिए अलग होता है, और नॉर्मल जो स्कूल लाइफ में होती है वर्कशीट है वो चीज़ें अलग होती हैं। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि एग्जैक्टली वर्कशीट क्या होता है। वर्कशीट इन द वर्ड्स ओरिजिनल मीनिंग इज अ शीट ऑफ पेपर ऑन विच वन परफॉर्म्स वर्क। इट मीन्स ये क्या होता है कि एक शीट होता है, एक पेपर होता है जिस पर कि हम अलग अलग वर्क को परफॉर्म करते हैं। दे कम इन मेनी फॉर्म्स, मोस्टली कॉमनली एसोसिएटेड विद चिल्ड्रंस स्कूल वर्क असाइनमेंट, टैक्स फॉर्म एंड अकाउंटिंग एंड अदर बिजनेस इन्वायरमेंट्स। तो ये अलग अलग तरीके से अलग अलग वर्कशीट को हम डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ चीज़ें दी हुई हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ, वो है इट इज़ ऑल्सो अ शीट ऑफ पेपर ऑन विच वर्क शेड्यूल्स, वर्किंग टाइम, स्पेशल इंस्ट्रक्शंस इटीसी आर रिकॉर्डेड, दे हैव मेनी फॉर्म्स लाइक। यानी कि जब भी हम किसी पेपर पे अपने काम को शेड्यूल करते हैं कि हमें इस टाइम पे ये चीज़ें परफॉर्म करनी होती है, तो वो कहीं ना कहीं उसका रिकॉर्ड हम रखते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, वर्कशीट बोलते हैं। तो वर्कशीट कैसे कैसे हो सकते हैं, क्या क्या हो सकते हैं ये जानते हैं। अगर मैं एजुकेशनल फील्ड की बात करूं, तो जब भी हम स्कूल में थे या कॉलेज लाइफ थी, तो वहाँ पे वर्कशीट जो होते थे, तो कहीं ना कहीं हमारी स्टार्टिंग जो थी स्कूल, अगर मैं स्कूल लाइफ की बात करूं, तो वर्कशीट में हैव क्वेश्चंस फॉर स्टूडेंट्स एंड प्लेस टू रिकॉर्ड आंसर। यानी एक पेपर जिसपे कई सारे क्वेश्चंस होते हैं, जिनका उसी पेपर पे हम आंसर लिखते हैं, तो वो क्या होता है, वही पे हमारा आंसर रिकॉर्ड होता है। तो एक तो वर्कशीट वो हो गई, दूसरी वर्कशीट अकाउंटिंग के रूप में बात करते हैं। इन अकाउंटिंग अ वर्कशीट इज वॉज अ शीट ऑफ रूल पेपर और रोज एंड कॉलम्स विच अकाउंटेंट कुड रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन ऑफ पर कैलकुलेशन। यानी अकाउंटिंग में जो चीज़ें हम, जैसे टैली का सॉफ्टवेयर हुआ, तो टैली के सॉफ्टवेयर पर हम अलग अलग रिकॉर्ड रखते हैं कंपनी के अकाउंट से रिलेटेड, पैसे से रिलेटेड, तो वो डिटेल जब हम अकाउंटिंग के रूप में यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग वर्कशीट, ठीक है। और नेक्स्ट है कंप्यूटिंग, यानी जब मैं कंप्यूटर की बात करूँ, तो कंप्यूटर में एक एमएस ऑफिस होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है जो जिसमें कि आपका वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये चीज़ें होती हैं। तो एमएस एक्सेल को भी बोलते हैं स्प्रेडशीट, क्या बोलते हैं, स्प्रेडशीट प्रोग्राम या स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, जिसमें कि कई सारे रो, कई सारे कॉलम्स होते हैं जो अलग 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 सेल्स में हम लोग नंबर्स को या फिर कैरेक्टर्स को लिखते हैं। तो वो सेट ऑफ सेल्स, सेट ऑफ कॉलम्स एंड रोज क्या कहलाता है, स्प्रेडशीट कहलाता है। तो वहाँ पे भी स्प्रेडशीट को हम वर्कशीट बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा है कि इन कंप्यूटिंग स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर प्रेजेंट्स ऑन अ कंप्यूटर मॉनिटर अ यूजर इंटरफेस दैट रीअसेंबल वन और मोर पेपर अकाउंटिंग वर्कशीट्स कॉल्ड माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। यानी कई सारे वर्कशीट्स होते हैं उसमें, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्प्रेडशीट। और यह स्प्रेडशीट कहाँ होता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में होता है। ये होते हैं कुछ बेसिक एजुकेशनल वर्कशीट्स होते हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ सामने स्क्रीन पे, देखिए। जब हम छोटे थे तो हमें अलग अलग शेप मिलते थे, तो उनको हमें मिलान करना पड़ता था, तो ये अलग अलग शेप होते हैं, ये भी एक वर्कशीट के रूप में भी जाना जाता है। इसको देख के आपको अपने बचपन की याद आ रही होगी कि इसमें क्या होता है कि हमें कुछ वर्ड्स, कुछ लेटर्स फिल करने होते हैं, और नीचे इनमें से ही कोई वर्ड्स हो सकते हैं। तो ये भी एक वर्कशीट है, ये जो कि हम लोग मल्टीप्लाई या डिवाइड या डिवीज़न या एडिशन करना होता था, और उसी पेपर में हमें अपना क्या करना होता है, आंसर लिखने होते थे। तो ये आते हैं एजुकेशनल वर्कशीट। सेकेंड है अकाउंटिंग वर्कशीट, जैसा कि हमने बताया कि टैली, ये
एक कंपनी का रिकॉर्ड है जिसमें डेबिट हुआ, क्रेडिट हुआ, सामान आए, उनकी रिकॉर्ड, उनके प्राइसेस वगैरह, वो सब चीज़ें कैसे कैसे हैं, वो रिकॉर्ड किया गया है। तो इसको भी क्या बोलेंगे, एक स्प्रेडशीट, यानी इसको एक वर्कशीट भी बोलेंगे। ये वर्कशीट क्या कहलाएगा, अकाउंटिंग वर्कशीट कहलाएगी। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट, यानी एक ऐसा वर्कशीट जो कि सेल, ये छोटे छोटे ब्लॉक दिख रहे हैं आपको, ये होते हैं सेल, यानी रो और कॉलम के रूप में जब चीज़ें होती हैं तो ये एक तरह का वर्कशीट होता है। तो ये क्या होते हैं आपके, एक्सेल के वर्कशीट, यानी कंप्यूटिंग वर्कशीट कहलाते हैं। अब नेक्स्ट जानते हैं हम कंक्लूजन के बारे में। तो हमने क्या क्या पढ़ा, अब हम एक बार ये जान लेते हैं कि कंक्लूजन में कि वर्कशीट क्या होता है। वर्कशीट इट इज़ द प्रोसेस बाय विच वी कैन परफॉर्म मल्टीपल टास्क विद स्पेसिफाइड टाइम शेड्यूल एंड फुलफिल रिक्वायर्ड क्राइटेरिया। यानी हमें क्या होता है कि एक ऐसा प्रोसेस होता है जिससे कि हम अलग अलग टास्क को अलग अलग टाइम से डिसाइड करते हैं और उसी क्राइटेरिया को फुलफिल करने के लिए हम वो वर्कशीट डिसाइड करते हैं। तो देखा आपने आज जाना कि कैसे हम इंटरव्यू में क्या चीज़ें करनी चाहिए, हमें क्या क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए और क्या क्या कैसे करनी चाहिए। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे लाइफ में बहुत इफ़ेक्टिव होता है। तो हम जानते हैं कि एक बार कैसे सब चीज़ें हम जान सकते हैं। तो आपको ये चीज़ें कैसे लगी और आपको आई थिंक काफ़ी हेल्प मिला होगा आज के टॉपिक से। तो आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं और जितना हो सके अपने दोस्तों को भी ये चीज़ समझाएं। और अगर कोई इशू होता है या कोई क्वेश्चंस होते हैं तो आप ज़रूर मुझसे पूछ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, बी सेफ और अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।